नवजोत सिंह सिद्धू हुए जेल तो रिहा, सिद्धू समर्थकों ने ढोल ढमके नाल कीता स्वागत। सिद्धू दे समर्थकों ने वंडे लड्डू, पटियाला जेल दे बाहर समर्थकों दा जमावड़ा। नवजोत सिंह सिद्धू दे मीडिया एडवाइजर आए सामने। नवजोत सिंह सिद्धू ने नहीं ली जेल तो कोई छुट्टी, सिद्धू लड़नगे पंजाब दे हितां दी लड़ाई, पटियाला जेल दे बाहर समर्थकों दा जमावड़ा। भगवंत मान दे बच्चियां नूं मिल रही है धमकी, उसने बोले मंत्री निजर, बच्चियां नूं धमकाउण दा कीता निजर ने विरोध। आप सरकार अपने वादे करेगी पूरे, नवजोत सिंह सिद्धू दी रिहाई दा कीता स्वागत। बीजेपी च पंजाब दे कई आगू हुए शामिल, गजेंद्र सखावत दी अगवाई च हुई शमूलियत। नशे दे मुद्दे ते पंजाब सरकार दा कीता घेराव। सत श्री अकाल, मैं हरप्रीत कौर, तुसी देख रहे हो पंजाब न्यूज़। लैके हाजिर हाँ बुलेटिन, बुलेटिन की शुरुआत करांगे अज दीआं कुछ खास ते कुछ वड्डीआं खबरां दे नाल। सो दस दे कि नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पटियाला जेल दे विच इक साल तो सज़ा कट रहे सन, जिसनों लैके हुण उन्हां दी रिहाई हो चुकी है ते उन्हां दे समर्थक ते उन्हां दे वर्कर जिहड़े ने लगातार उन्हां दा इंतजार कर रहे सन। पटियाला केंद्रीय जेल विच इक साल की सज़ा कट रहे सन कांग्रेसी आगू अते साबका मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू। जेल विचों रिहा हो गए ने हुण उह। इस मौके नवजोत सिंह सिद्धू दे पुत्र करन सिंह सिद्धू, MP गुरजीत औजला, कांग्रेसी आगू अश्विनी शेखड़ी, नवतेज, जे आपां गल करिए तां नवतेज सिंह चीमा अते समर्थक जेल दे बाहर स्वेत उहनां दा इंतजार कर रहे सन। जदों ही उह जेल तों बाहर आउंदे ने तां उहनां दा फुल्लां दे हार पा के ते फुल्लां दी वर्खा करके स्वागत कर दिता जांदा है। दस दिए कि कांग्रेसी आगू नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े ने 1988 दे रोडरेज मामले दे विच इक साल की सज़ा कट रहे सन, अते इसे एक साल के दौरान जदों सज़ा कट रहे सन तां उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली, जिस करके उन्हां दी रिहाई जिहड़ी आ बहुत जल्दी कर दिती गई है। यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बार पहला भी फाइल लगाई सी, जिस तों बाद उन्हां दी फाइल नूं रद्द कर दिता गया सी अते उन्हां नूं रिहाई नहीं दिती सी। पर इस मौके दे उत्ते उन्हां दे समर्थकां दा भारी इकट्ठ देखण नूं मिलिया, जिथे कि वड्डी गिणती दे विच समर्थक ते वर्कर उत्थे पहुंचदे ने ते उन्हां दा स्वागत करदे ने। इसे दौरान नवजोत सिंह सिद्धू भी जेल तो बाहर आउंदिया सार ही गरज के बोले। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उत्ते निशाना साध्या, खुल के उन्होंने आम आदमी पार्टी के उत्ते निशाने लगाए ने, तो सीधे तौर पर CM भगवंत मान के बारे काफ़ी कुछ उन्होंने बोल दिता। रुक करांगे अगली खबर दे वल। दस दिए कि पटियाला जेल दे अंदर जिहड़े ने लगातार नवजोत सिंह सिद्धू नूं लै के उन्हां दी जेल दे बाहर उन्हां दा इंतजार कीता जा रहा सी, जदों तो नवजोत सिंह सिद्धू दी रिहाई दी गल होई आ ते अमन अरोड़ा दे वल्लों इस चीज़ दा ऐलान कर दिता गया सी। जे गल करिए उन्हां दे मीडिया एडवाइजर दी, तां उन्हां दे मीडिया एडवाइजर ने भी इह कह दिता सी कि नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई नूं लै के काफ़ी समय तो इंतजार किया जा रहा है। उन्हां दा जिहड़ा बिहेवियर सी उह बहुत चंगा सी जेल दे विच, आते उन्होंने अपनी सज़ा के दौरान एक साल के एक भी छुट्टी नहीं ली, जिस करके उन्होंने जल्द रिहा कर दिता गया। होर की कुछ क्या उन्होंने मीडिया एडवाइजर ने, आओ तुहानूं सुणाउंदे हां उन्होंने जुबानी। देखो अज तो सारे जिहड़े पंजाबी ने जिहड़े पंजाब की तरक्की चाहते ने, सारे जिहड़े अमन शांति चाहते ने पंजाब च, सारे इंतजार है कि नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सज़ा पूरी करके वापस आन। सानू पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले नू फुल चढ़ाया नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने, और 20 मई नू पिछले साल इस जगह पर उन्होंने अपने आप नू जेल दे विच समर्पित किया अदालत के हुक्मों तो बाद, और पूरे डिसिप्लिन नाल अनुशासन के नाल जिवें उन्हां दी पूरी जिंदगी सादगी वाली अनुशासन वाली रही है, उस तरह ने नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने अपनी सज़ा कट्टी है। एक भी दिन उन्होंने जेल चो छुट्टी नहीं ली, जिहड़ी भी ड्यूटी सी उन्होंने मुकम्मल की, पूरे अनुशासन च रहे, और इस करके सज़ा मुकम्मल होने अज उन्हों के बाहर आने का पूरे पंजाब के लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दों की लड़ाई जी पंजाब नू लोड़ है, जिदी असल लीडर पंजाब का जिहड़ा जमीन नाल जुड़िया है। विधानसभा च नवजोत सिंह सिद्धू होण ना होण फर्क नहीं पैंदा, पंजाब के लोगों च नवजोत सिंह सिद्धू खड़े ने, और अज असी देख रहे हैं हर पिंड चों, मैं कई पिंडा चो हुंदा होया आया, हर पिंड च साडे बजुर्ग, साडियां मातावां, साडियां भैणां आशीर्वाद दे रहे ने नवजोत सिंह सिद्धू नूं, आके हरेक आशीर्वाद दे रहा है, लेकिन आपके पंजाब कांग्रेस के नेता तो यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है। देखो नवजोत सिंह सिद्धू मेरा ही मानना है कि पूरे पंजाब दे लोकां दा लीडर है, कोई किसी पार्टी का लीडर आया नहीं आया वो अज ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि जिहड़े लीडर ने सारियां दियां अपनियां अपनियां अपनी अपनी सोच है, उन्हां दा अपना अपना करम है। हालांकि जो पता लग्या कांग्रेस की हाई कमांड ने सारयां नूं सुनेहे दिते ने कि सारे एकजुट हो के पंजाब दे विच अगे वधो, पर मेरा ही मनना है कि नवजोत सिंह सिद्धू अहुदियां दे पिछे कदी नहीं गया। कांग्रेस पार्टी च कोई अहुदा उन्हां कोले होवे ना होवे,
पर लोगों के दिलों चुना को आदा श्री करतारपुर साहब का लांघा खुलवाण वर्गा जोड़ा काम है नवजोत सिंह सिद्धू होना की जिम्मेदारी रब ने लाई और रही दुनिया तक कभी लोग इस गल नहीं भूल सकते कि नवजोत सिंह सिद्धू की भूमिका सी। राजा बड़िंग कहते हैं कि उनको आज व्यस्त है इसलिए आ नहीं सकते। देखो राजा बड़िंग पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने उन्होंने उन्होंने पार्टी ने बहुत वड्डी जिम्मेदारी दिती। हो सकता है पार्टी के किसी काम च राजा बड़िंग जी रुझे होण क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं सानू पता है, पर मेरा ही मानना है कि गल राजा बड़िंग दे आउण या ना आउण दी है ही नहीं। अज कल्ले राजा वड़िंग दे नाल पंजाब नहीं चलना, किसी एक लीडर नाल पंजाब नहीं चलना, लोगों नाल पंजाब चलना है और लोगों नूं उन्हां दा नुमाइंदा अज वापस आके उन्हां दे विच आऊगा और पंजाब दे मुद्दियां ते तुसीं देखो अज असीं पंजाब कित्थे खड़े हाँ। असीं फिर कर्जा साढ़े ते वध गया, असीं 3 लाख करोड़ तों उपर चले गए कर्जे च। उधर नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई नूं लैके बीबी रजिंदर कौर भट्टल का बयान सामने आया है। मीडिया नूं संबोधन करदिआं उन्होंने कहा कि सिद्धू नूं बहुत पहला ही रिहा कर देना चाहिए सी। अमृतपाल नूं लैके पंजाब सरकार अते केंद्र सरकार ते निशाना साधदे होए बीबी भट्टल ने कहा कि इस मामले च दोवें सरकारां दी वड्डी नाकामी सामने आई है अते लोक अजे भी भंबल भुस्से दे विच हन कि अमृतपाल कित्थे है। बेमौसमी बरसात कारण पंजाब विच किसानां दीआं फसलां दा मुआवजा अजे तक किसानां नूं नहीं दित्ता गया ते होर की कुछ कहा है बीबी भट्टल ने, आओ तुहानू सुनाउंदे हां उहनां दी जुबानी। नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई से बीबी रजिंद्र कौर भट्टल का बड़ा बयान सामने आया। बीबी रजिंद्र कौर भट्टल का कहना है कि नियमों के मुताबिक तो नवजोत सिंह सिद्धू नूं एक महीना पहला ही रिहा कर देना चाहिए सी। देखो उन्हां दे बाहर आने से स्वागत करते हैं सारे असीं, साडी पार्टी दे कांग्रेस के प्रधान रहे ने ते अच्छे परिवार नूं तल्लक रखते हैं। उन्हां दे पिता जी पहला जिला कांग्रेस पटियाला के प्रधान रहे सी, उन्हां दे माता जी कांग्रेस के MLA रहे सी, इस करके एक पढ़िया लिखा नौजवान है साडी पार्टी दे बाहर आए वेलकम करते हैं, लेकिन इन्हों तो बहुत पहला आ जाना चाहिए। पिछले महीने तो भी रौला पैंदा है, पता नहीं की रचना लाई गई जो रूलों के मुताबिक से एक महीना पहला ही आ जाना चाहिए सी इन्हों, और हुण जो इन्हों पिछे पता लग्या कि इन्हों घरों बीबी वो भी थोड़ी बीमार सी तो यह जे हालात में तो बंद वैसे ही ख्याल करना चाहिए सी। उद्या ऑपरेशन भी करते करते लेट कराया कि आ जान घर के बंदे होंगे ने, अजा सारे स्वागत करते नहीं अजे तो बाहर आए ने। बाहर आके पार्टी हाई कमांड ने सारा देखना कि की जिम्मेवारी देनी है, जो जिम्मेवारी पार्टी दिंदी है सारे लीडर भुगतानी होंगी है तो भुगतानी चाहिए। उते ही दूजे पासे बीबी रजिंद्र कौर भट्टल ने वारस पंजाब जथेबंदी दे मुखी अमृतपाल सिंह नूं लैके भी पंजाब सरकार अते केंद्र सरकार ते कई तिखे निशाने साधे ने। रजिंद्र कौर भट्टल ने कहा कि इस मामले दे विच दोवें सरकारां दी वड्डी नाकामी सामने आई है ते लोक अजे भी भंबल भुस्से दे विच ने कि आखिर अमृतपाल है किथे। ये दोनों सरकारां दी फेलियर लगती है, इहदा मतलब इन्नी नाकाबल सरकारां ने 800 बंदा ला के फड़िया नहीं गया एक इंसान अजे तक भी, और इहदे विच भी अजे समझ नहीं आउंदा लोकां नूं कलैरिटी नहीं कि यह ड्रामेबाजी है रियलिटी की है, कित्थे हैगा वो कित्थे नहीं हैगा कुछ पता ही नहीं, कन्फ्यूज्ड है सारा कुछ। लेकिन एक वो चीज़ लोगों को पता लगता है कि फेल सरकार है, वो अज ही खालिस्तान लैके गया रहा है, अज ही फड़िया जा रहा है, वो तो जिस दिन तो पहला तो आया है। किसी बंदे दे कोई विचार हो सकते हैं, आजादी है हर एक अपने विचारों के उत्ते गल करन दी, हर एक अपने मन की भावना नाल चलन की आजादी हैगी, चलते हैं उहदे नाल लोग सहमत होंगे या नहीं होंगे है वो लोगों की मर्जी से है। असी हमेशा कहते रहे हैं कि बतौर सिख बतौर हिंदू बतौर इंसान बतौर कुछ भी कोई बंदा किसी थान पर अपनी भावना रखता उन्होंने रखने की आजादी है, ता ही असी लोकतंत्र कहने हैं। लेकिन इस तरह के कदम ज इस तरह की गल ना की जाए वो नुकसानदेह जिदे अमन भंग हो हमेशा पहला। इस मौके पत्रकारां दे नाल गलबात करदिआं बीबी रजिंद्र कौर भट्टल ने कांग्रेस की आगू राहुल गांधी नूं लैके भी कई सवाल चुके ने ते कांग्रेस दे वल्लों राहुल गांधी दे लई सत्याग्रह चलाया गया सी ते नाल ही कांग्रेस दे विच जो लगातार सियासी हलचल दिखाई दिंदी है उस नूं लैके भी रजिंद्र कौर भट्टल दे वल्लों कई गल्लां सांझियां कीतियां गईयां ने ते नाल ही नवजोत सिंह सिद्धू दी रिहाई नूं लैके भी बीबी रजिंद्र कौर भट्टल दा कहना कि उन्हां दी पत्नी नूं जिस तरीके दे नाल उन्हां ने जानकारी दित्ती सी कि कैंसर दी पेशेंट है तां इह खबर सुणन तों बाद इक महीना पहलां ही नवजोत सिंह सिद्धू नूं रिहा कर देना चाहीदा सी। संगरूर तों अनिल जैन दी रिपोर्ट। खबर मलेरकोटला तो है जिथे कि मलेरकोटला रियासत की 8वीं पीढ़ी के आखिरी बेगम मुनावर उन निशा जो कि काफ़ी उम्र के हो गए ने। बेगम मुनावर मरहूम नवाब शेर मुहम्मद खान के परिवार तो ने दस दे कि मरहूम नवाब शेर मुहम्मद खान ने सरहद विखे सूबे की कचहरी में छोटे साहबजाद के हक के हाँ का नारा मारिया। खास रिपोर्ट आओ दिखाते हाँ।
मलेरकोटला रियासत दी अठवीं पीढ़ी दे आखरी बेगम मुन्ना बार उन्हें निशा जो कि 100 साल तो वध उम्र दे हो गए ने। बेगम मुन्ना बार मशहूर नवाब शेर मुहम्मद खान दे परिवार तो ने। दस दिए कि मशहूर नवाब शेर मुहम्मद खान ने सरहद विखे सूबे दी कचहरे विच छोटे साहबजादियां दे हक दे विच उन्हां नूं बचाउण दे लई हां दा नारा मारिया सी, जिस करके सिख इतिहास दे विच नवाब दा नाम सुनहरी अखरां दे विच दर्ज कीता गया। अपने बेगम मुनव्वर निसा आखरी बेगम रियासत मलेरकोटले दे अठवीं पीढ़ी दे विचों नवाब शेर मुहम्मद खान की अठवीं पीढ़ी दे विचों हन ते इन्हां नूं उत्थे अज सन्मानित किया जाना है। इन्हां करके प्रोग्राम रख्या गया है। तो हालांकि इन्हां दी सेहत इजाजत नहीं दिंदी थी, मगर उन्होंने एक सद्दे दे उपर चलो हाँ कर दिती है ते उत्थे जरूर हाजिरी लवाउणगे। समागम किथे रखे गया ते किन्हां वल्लों रखे गया? यह अपने SGVC प्रधान धामी साहब ते डोडन माली हवेली दे जिहड़े इंचार्ज हन उन्होंने दो मिल के उन्होंने प्रोग्राम रखिया ते उत्थे बेगम साहब नूं सन्मानित किया जाएगा। गुरद्वारा फतेहगढ़ साहब वास्ते इन्हां नूं इत्थों लिजाया जाएगा। जो हाँ का नारा मारिया सी इन्होंने उन्होंने बदौलत पंथ वालों सन्मानित किया जा रहा। दीवान टोडरमल विरासती फाउंडेशन पंजाब वालों और श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पूरे पंथ वालों जी गुरद्वारा फतेहगढ़ साहब विखे इन्हों सन्मानित किया जाएगा ठीक 12:30 बजे। इतों हूँ असी बस तैयारी है बिल्कुल जान दी जी। फतेहगढ़ साहब की मकदश धरती से SGPC वालों बेगम मुन्ना बार उन निशा का सन्मान किया गया। बेगम साहिबा वल्लों छोटे साहबजादियां नूं सजदा कीता गया ते शरदा दे फुल भेट कीते गए। इस मौके ते संगत दे दर्शन दीदारे लई रियासत मलेरकोटला आखरी बेगम मुन्ना बर उन निशा ओह श्री साहब तलवार भी नाल लैके गए, जो गुरु गोबिंद सिंह जी वल्लों मरहूम नवाब शेर मुहम्मद खान नूं तोहफे वजों दित्ती गई सी। जिथे बच्चे नीहां चढ़ाए गए सी उथे हादा नारा मारिया गया सी उस दा अज सत्तवीं रियासत दे विच उपकार कर रहे ने श्रोमणी गुरद्वारा कमेटी वाले ते मैं उन्हां दा बहुत धन्नवाद करदा। उन्होंने इन्हां नूं याद किया कोटिन कोट धन्नवाद। अज दा दिहाड़ा जिहड़ा है यह मलेरकोटला शहर वास्ते एक उत्तम और बहुत वड्डा दिहाड़ा ते बहुत वड्डी गल है कि अज खुले दर्शन दीदारे उस कृपान दे वी होणे ने जिस कृपान नूं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने नवाब शेर मुहम्मद खान के परिवार को प्यार सहित भेटा किया। तो बहुत सारिया संगतों लिए खुशी वाला पल है कि वह जिस कृपान में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने अपने कर कबलों के नाल इन्हों भेट किया तो उन्होंने ददारे ने जो समुची संगत को खुले रूप में होंगे। तो असी बहुत धन्यवाद करते हैं समुची श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाल जिन्हें भी इत्थे दे प्रबंधक ने महल दे शीश महल दे उन्हां दा भी धन्नवाद करदे आ कि उन्हां ने जो ये कृपान है इहदे खुले दर्शन दीदारे संगतां नूं बख्शे ने। बहुत बहुत धन्नवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। मलेरकोटला तो जमील खेड़ीवाला दी रिपोर्ट। पंजाब न्यूज़ दे विच वेला हो चलिया छोटी जी ब्रेक दा, मिलदे आ ब्रेक तो बाद। उधर चंडीगढ़ विखे BJP वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूबे के कई वड्डे सियासी आगुआं नूं पार्टी च शामिल किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सखावत ने मीडिया नूं संबोधन करदिआं उन्हां नूं कानून व्यवस्था ते नशे दे मुद्दे ते सूबा सरकार नूं निशाने ते लिया ते होर की कुछ कहंदे ने आओ तुहानूं सुणाउंदे हां। पंजाब में एक बार फिर वही आतंकवाद का बुरा दौर आ सके और उसके कारण से अपनी महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने वाले लोग प्रयासरत हैं। दूसरी तरफ पंजाब में जिस तरह से ड्रग माफिया ने चारों दिशाओं में अपने पांव पसारे हैं और तीसरा जिस तरह से पंजाब में माफिया राज हावी हुआ है, गन कल्चर जिस तरह से पंजाब में सिर चढ़ के बोल रहा है, एक्सटॉर्शन जिस तरह से चरम सीमा पर है, यदि इस तरह इस पार्टी की सरकार बनेगी तो हालात बेकाबू हो सकते हैं और बिगड़ सकते हैं। और आज एक साल बाद आप सब लोगों के बीच में बैठ करके मैं अपने पुराने शब्दों को एक बार आपके सामने साझा करना चाहता था। जो अंदेशा किया था कमोबेश उसी तरह के हालात बने।
आप सब ने देखा किस तरह से खेल के मैदान में खेलते हुए खिलाड़ियों को गोली मारी गई। पंजाब में गीत और संगीत, राग और रंग को फैलाने वाले कलाकारों को एक्सटॉर्शन की धमकियां और उसके बाद में उनकी निशंस हत्याएं की गई। पंजाब में जिस तरह से खुल करके ड्रग और गन इन दोनों के माफिया हावी हुए, शायद ही पंजाब का कोई व्यापारी, व्यवसायी, बिल्डर या कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति होगा जिसके पास में एक या एक से ज्यादा एक्सटॉर्शन के कॉल्स नहीं आए होंगे। लेकिन सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उस फ्रंट पर एब्सोल्युटली फेल हुई है। हाल ही में समाचार आया है कि खडूर साहब में गुरुद्वारा के ग्रंथी की टांग काट करके कुछ लोग ले गए। इससे ज़्यादा बर्बरता और नृशंसता का माहौल नहीं हो सकता। मैं पहला तो भाजपा की सीनियर लीडरशिप का धन्यवाद करदा ते अज मेरे लिए बड़े माण ते सन्मान वाली गल है कि मैं बीजेपी ज्वाइन करके मैनू लोगों की समाज की सेवा करने का मौका मिलिया। अगर कोई जलंधर जिमनी चोन वास्ते तुहानू चुनदे आ कैंडीडेट दे तौर ते पूरी तैयारी नाल फिर मैदान च उतरोगे? जो भी मेरी पार्टी ड्यूटी लाऊगी मैं अपनी ड्यूटी इमानदारी नाल निभावांगा। मैं अज ज्वाइन बिना शर्त तो ज्वाइन किया है। किन्ने क लंबे समय तो तुहाडी बीजेपी दे विच आउण दी गल चलदी पई सी? मेरी सारी सर्विस 95% डिस्ट्रिक्ट जलंधर दी है। मैं अपनी ड्यूरिंग सर्विस सारे सियासी समाजवादी लोग ते सियासी लीडर नाल मेरा नेड़े तो होके वास्ता पिया। शुरू तो मेरा रुझान इस पासे रहा है पोलिटिकली। हुण शमूलियत बारे कदों कदों गल चलदी सी, इह जलंधर जिमनी चोण कारण होया अचानक जां फिर पहलां तों तुहाडा लगा सीगा पार्टी नाल? नहीं, मेरा पहलां तों पार्टी दा लगा सीगा ते अज उपरों जो आदेश आया मैं ज्वाइन कीता। भारी बरसात की गल करिए भारी बरसात ने पंजाब के सिर्फ दुबाबा ते मालवा इलाके च ही फसलों का नुकसान नहीं किया बल्कि माझा च भी कणक का वड्डा नुकसान किया। पेश आ खास रिपोर्ट। देश का अंदाता किसान जिसनों कभी सरकार नजरअंदाज कर दिया ने कभी उसनु मौसम की मार चलनी पैंदी है ते हुण भी कुछ अजिहा ही देखन नूं मिलिया जिथे कि पिछले कुछ दिनां तों पूरे पंजाब च जबरदस्त बारिश हो रही है जिस नाल कि किसानां दी पक्की खड़ी हुई फसल तबाह हो गई। किसान हुण परेशान नजर आ रहे ने अते किसानां दे चेहरे मुरझाए हुए ने। हुण दुखी होए किसान दुख लै के पहुंचे ने पंजाब सरकार दे कोल। किसानां वल्लों सरकार तों मुआवजे दी मांग कीती जा रही है ताकि समां रहिंदे ही किसान अपनियां दूसरियां फसलां नूं बीज लैण। ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਚੋਂ 80% ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਾਰ ਚਾੜੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਆਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਆਸਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। 6 ਏਕੜੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ ਜੀ, 2 ਕਿੱਲੇ ਠੇਕੇ 70,000 ਨੇ। ਗੜੇਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਨਾੜ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਬਚਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਰਸੀਨ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੇਖ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਤ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, 100% ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚਾਰਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਬਰਸੀਨ ਜਵੀ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ।
कि जो जिस किसान की सारी फसल तबाह होगी 33% तो 75% तक होगी पूरी तबाह होगी उन्होंने 15,000 रुपया पर एकड़ मिलेगा तो कई की 33% तो 75% तक होगी उन्होंने 6,800 रुपया पर एकड़ मिलेगा। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਕਿਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਕਿਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ ਤੇ 1 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, 3 ਬਲਾਚੌਰ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ 3 ਹੋ ਗਏ, 6 ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਮੱਖੂ, 7 ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗਲ ਊਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ 8ਵਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਚਿੱਠਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ 10-10-2006 ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ 16.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਸੀ 9/4/2023, ਹਜੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ 20/11/2007 ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ, 20 ਨਵੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਓਵਰਲੇ ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ 19 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ 13 ਤੱਕ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਪਾਇਆ, 347 ਦਿਨ ਲੇਟ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ 2014 'ਚ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸੁਨੀਲ ਭੁਗ, ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ 2006 'ਚ, 7 'ਚ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।